नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम तुषार है। मैं आज आपको दिखाऊंगा एमसीबी और आरसीसीबी में क्या डिफरेंस होता है और क्या काम होता है। देखिए, ये एमसीबी है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर और आरसीसीबी है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ये मैंने लिया हूँ 25 एम्पियर का एमसीबी है और आरसीसीबी है। दोनों में दिखने में तो सेम है लेकिन काम बिल्कुल डिफरेंस है। ये एमसीबी है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, पहले बता दिया था। और ये काम ये करता है जैसे कि ओवरलोड प्रोटेक्शन। ओवरलोड प्रोटेक्शन मतलब ये मैं 25 एम्पियर का एमसीबी लिया हूँ और 25 एम्पियर का इसमें लोड, जैसे वाटर मोटर मैंने चला रहा हूँ तो 25 एम्पियर से ज़्यादा लोड इसमें आएगा तो एमसीबी अपने आप ट्रिप हो जाएगा। तो ये होता है ओवरलोड प्रोटेक्शन। और इसमें होता है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। जो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन क्या होता है, जैसे इसमें होता है न्यूट्रल और फेज। न्यूट्रल फेज का तार आपस में अगर टच करता है तो इसमें शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस होता है। इस सिचुएशन में ये एमसीबी अपने आप न्यूट्रल फेज टच करने को जो शॉर्ट होगा ये अपने आप एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। तो इसमें रिक्सी से हम बच सकते हैं और जो इसमें हम यूज़ करते हैं वो भी सेफ रहता है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आरसीसीबी क्या होता है। आरसीसीबी के बारे में ये है, आरसीसीबी रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। इसका काम ये क्या काम करता है, ये काम करता है अर्थ लीकेज फॉल्ट। जैसे कि न्यूट्रल फेस होता है और एक अर्थिंग होता है। जैसे कि मोटर में अर्थिंग का तार हमने ऐसे डायग्राम में, थोड़ा सा डायग्राम में दिखाया। ये देखिए लाइन और लाइन में जो अर्थ आता है, ये मैं एक रेफ्रिजरेशन का फ़ोटो में दिख के करके मैंने बताया। जैसे फॉल्ट में अर्थिंग में लाइन आ जाता है तो हमने जानकर रिक्सी होता है। तो ये आरसीसीबी लगा होगा तो वो अपने आप ट्रिप हो जाएगा और कोई रिस्की का काम नहीं होगा। ठीक है, अब तो थोड़ा सा पता चल गया होगा एमसीबी और आरसीसीबी का क्या होता है। एमसीबी होता है ओवरलोड प्रोटेक्शन और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, और आरसीबी में अर्थ लीकेज फॉल्ट होता है। ये दोनों में ये डिफरेंस आ गया। अब मैं बताऊँगा आरसीसीबी और एमसीसीबी डायग्राम में कैसे कनेक्शन होता है। सबसे पहले हम जाएंगे जो इलेक्ट्रिसिटी का मीटर होता है, मीटर से न्यूट्रल और फेज आता है। पहले हम इसमें एमसीबी को जोड़ेंगे। एमसीबी में ऊपर निशान जो टर्मिनल होता है, टर्मिनल में दे रखता है जैसे न्यूट्रल और फेज। मीटर से आ गया पहले एमसीबी में न्यूट्रल फेज, फिर जो आउटपुट होता है, जो लोड होता है एमसीबी का न्यूट्रल फेज में, फेज से फिर आरसीसी में जो न्यूट्रल फेज होता है, और दूसरा आरसीसीबी का आउटपुट निकाल देंगे लोड में। अब ये एमसीबी और ये आरसीसीबी का दोनों में क्या प्राइस कैसे होता है। एमसीबी में चीपर प्राइस होता है और आरसीसीबी में कॉस्टली होता है। एग्जांपल एमसीबी, एक एमसीबी 300 रुपये का मिलेगा और दूसरा एक आरसीसीबी 1200 रुपये का मिलेगा। ये प्राइस का डिफरेंस है। और इसमें डिफरेंस ये होता है अर्थ फॉल्ट लीकेज का एमसीबी में नहीं होता है, आरसीबी में होता है। और ओवरलोड प्रोटेक्शन एमसीबी में होता है और आरसीबी में नहीं होता है। और एमसीबी को मैनुअली ऑन ऑफ कर सकते हैं और आरसीसीबी को भी मैनुअली ऑन ऑफ कर सकते हैं। का और आरसीबी के बारे में पोल्स में बारे में बताऊंगा। एमसीबी में होता है 1, 2, 3, 4 का पोल्स का मिल जाएगा बाज़ार में, और आरसीबी में केवल 2 और 4 पोल का मिलेगा। 2 पोल होता है वो सिंगल फेज के लिए और 4 पोल होता है थ्री फेज के लिए। अब मैं बताऊंगा ये एमसीबी एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेफ्टी के लिए है, और जो आरसीसीबी है ये होता है ह्यूमन सेफ्टी के लिए। तो दोनों ही होम में लगाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू दोस्तों।
सब्सक्राइब करो।